नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग वर्मा बीए नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सीरीज को जारी रखते हुए आज हम पार्ट 8 लेके आए हैं। आज की वीडियो बाकी पार्टों की तरह भी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय का, ऑप्शन बी कैंसर का, ऑप्शन सी गुर्दे का, ऑप्शन डी मस्तिष्क का। ऑन्कोलॉजी के अंदर हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है, किडनी का अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केबीज बीमारी है? ऑप्शन ए आंखों की, ऑप्शन बी कान की, ऑप्शन सी त्वचा की, ऑप्शन डी पेट की। स्केबीज जो बीमारी है वो है त्वचा की। स्केबीज बीमारी को हम खाज की बीमारी भी कहते हैं। इससे पूरे शरीर पर खाज आनी शुरू हो जाती है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन पूर्णतः निषेध है? ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी येलो फीवर, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। प्रेगनेंसी के अंदर जो पूर्णतः निषेध है वो है येलो फीवर। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन लगाने से पहले इंजेक्शन वाले स्थान को स्प्रीट से क्यों नहीं साफ करना चाहिए? ऑप्शन ए इससे खतरनाक रिएक्शन हो सकती है, ऑप्शन बी इसके कारण नेक्रोसिस हो सकता है, ऑप्शन सी ये वैक्सीन के जीवों को नष्ट कर देता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वैक्सीन लगाने से पहले इंजेक्शन को स्प्रीट से साफ नहीं करते क्योंकि ये वैक्सीन जो बनी होती है वो या तो बैक्टीरिया की होती है या फिर ये वायरस की होती है। तो स्प्रीट है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों को नष्ट करती है, इसलिए अगर स्प्रीट पहले लगा देते हैं तो वो वैक्सीन जैसे हम लगाएंगे तो सूक्ष्म जीव है वो उनको नष्ट कर देती है और ये वैक्सीन असर नहीं करेगी। हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ धोने के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। जैसे कि हमारे को इस इमेज में दिखाया गया है कि हाथ धोने के लिए हमें 7 स्टेप जरूरी है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी के शुरुआत में होने वाला रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी यूट्रस कैंसर, ऑप्शन सी अबॉर्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होती है उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है अबॉर्शन। तो इसके आधार पर हमारा सही उत्तर हुआ है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में मर्द भ्रूण के पड़े रहने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्ण गर्भपात, ऑप्शन बी अपूर्ण गर्भपात, ऑप्शन सी लीन गर्भपात या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गर्भाशय में जो मर्द भ्रूण पड़ा रहता है उसे हम कहते हैं लीन गर्भपात कहते हैं, इसे हम साइलेंट गर्भपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोग आरएनए वायरस के द्वारा होते हैं? ऑप्शन ए सार्स, ऑप्शन बी मेर्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट। जो सार्स होती है उसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और मेर्स की जो फुल फॉर्म होती है मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस रंग के रिबन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी ग्रे, ऑप्शन डी पिंक। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गुलाबी रंग का रिबन का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑरेंज है वो हमारे किडनी और ल्यूकेमिया के लिए यूज में लिया जाता है और ब्लैक है वो स्किन कैंसर के लिए काम में लिया जाता है और ग्रे है वो ब्रेन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए 5 कैलोरी,
ऑप्शन बी 10 कैलोरी, ऑप्शन सी 9 कैलोरी, ऑप्शन डी 15 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मरकरी। सही उत्तर ऑप्शन डी मरकरी। जो मिनी माता रोग होता है वो पारा धातु के कारण होता है। ये जो समुद्र के करीब जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ के मछलियाँ या वहाँ जो घेंगे होते हैं उनको खाते हैं, उनमें ये अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सही उत्तर है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोरोना बीमारी किसके द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगी। दोस्तों कोरोना क्या है, एक वायरस ही है, क्योंकि हमारे को पता ही है कि 2020 है वो पूरा साल हमारा वायरस में निकला है। कोविड 19 वायरस सुन के हमारे कान है वो पक चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हुआ है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रेन की बीमारी की जांच की जाती है? ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी ईसीटी, ऑप्शन सी ईईजी, ऑप्शन डी ईएमजी। ब्रेन की बीमारी की जांच की जाती है वो है ईईजी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी जॉनस साल्क। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन साल्क के द्वारा की गई थी। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों अलेक्जेंडर ने पेंसिलिन की खोज की थी, जबकि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी स्टेरिलाइजेशन के लिए एक ऑटोक्लेव में कितना तापमान रखा जाता है? ऑप्शन ए 91 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 101 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 111 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर है ऑप्शन डी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जन्म के समय शिशु के हृदय की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 से 110, ऑप्शन बी 120 से 160, ऑप्शन सी 160 से 180, ऑप्शन डी 80 से 100। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के पश्चात गर्भाशय को प्रसव पूर्व स्थिति में आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 वीक, ऑप्शन बी 3 वीक, ऑप्शन सी 4 वीक, ऑप्शन डी 6 वीक। सही उत्तर है अपना ऑप्शन डी 6 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु की सामान्य स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन ए लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑप्शन बी राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑप्शन सी लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑप्शन डी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। सही उत्तर है ऑप्शन ए लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गैलन कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 500 ml, ऑप्शन बी 2500 ml, ऑप्शन सी 3785 ml, ऑप्शन डी 5750 ml। 1 गैलन होता है वो 3785 ml के बराबर होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ ऑप्शन सी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो और भी आगे आपके लिए लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आनुवंशिक बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों आनुवंशिक बीमारी वो होती है जो हमें अपने माता पिता से मिलती है, यानी वो जीन के द्वारा आगे पीढ़ी के अंदर आती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है वो एक आनुवंशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपिड स्पंजिंग के लिए
सही तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 18 से 25 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 27 से 37 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 35 से 45 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 50 से 55 सेंटीग्रेड। टैपिंग स्पंजिंग, जिसे हम कोल्ड स्पंजिंग भी बोलते हैं, इसके द्वारा फीवर या बॉडी का टेम्परेचर है वो कम किया जाता है। इसके लिए हमारे को जो टेम्परेचर रखना जाता है वो है 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड मेकिंग का उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन ए वार्ड में स्वच्छता बनाए रखना, ऑप्शन बी मरीज को आराम प्रदान करना, ऑप्शन सी मरीज को बेड शोर से रोकना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, बेड मेकिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है वार्ड में स्वच्छता भी बनाए रखनी होती है, मरीज को आराम भी प्रदान करना होता है और मरीज को बेड शोर से भी बचाना होता है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग भोजन को लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है? ऑप्शन ए लैरिंग्स, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी इपिग्लोटिस, ऑप्शन डी इसोफेग्स। सही उत्तर ऑप्शन सी इपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए सरदार पटेल स्टेडियम, ऑप्शन बी अमित शाह स्टेडियम, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम है वो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। तो हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें।